है गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एसबी क्लरिकल के एडमिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एसबी का एग्ज़ाम जो है उसके बारे में सभी को जानना है कि कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, तो यही सभी पूछ रहे हैं बार बार टेलीग्राम पर भी। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को इसका जो है वो रिप्लाई दिया जाए सभी को। देखिए, अभी जो कंडीशंस चल रही है अपने देश में, उस हिसाब से ये लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कम हो गए हैं, और कुछ एक स्टेट बचे हुए हैं जहाँ पे अभी भी है, पर जल्दी वो चीज़ें भी रिमूव हो जाएगी। तो अभी अगर बात करें अपने कि अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना प्रीलिम्स होता है, देखिए डेफिनेट बात यही है कि अगर प्रीलिम्स होगा तो 1 से 15 के बीच में होगा, क्योंकि बाद में मेंस की डेट उन्होंने चेंज नहीं कर रखी। एक बात यह है कि मेंस की डेट जो वो चेंज नहीं की हुई, मेंस की डेट 31 तारीख है अभी भी। तो एडमिट कार्ड आपके जो आएंगे वो 10 दिन पहले आएंगे एग्ज़ाम से, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ध्यान से सुन लीजिए, नेक्स्ट वीक में एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, जब जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, और जुलाई के 15 तारीख तक ही एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि मेंस की डेट है। फिर आगे आप लोगों को पता है एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालना, उसके बाद मेंस की कॉल लेटर जारी करना, और थोड़ा सा चीज़ें आप लोग समझ ही पा रहे हो कि थोड़ा सा टाइम भी उनको भी चाहिए और हमको भी चाहिए, क्योंकि सेंटर वगैरह मैनेज करना, किसी का दूर है, किसी का RRB है, तो सारी चीज़ें देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं ये जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होता है तो फिर ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा, ये 100% ट्रू है। दो ही कंडीशन होगी, या तो जुलाई में प्रीलिम्स उनको करवाना होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जुलाई के बाद अगर आप लोग देखोगे तो अगस्त पूरा का पूरा शेड्यूल बिजी है। किस में बिजी है? RRB स्टार्टिंग में PO का होगा, उसके बाद क्लरिकल का होगा, उसके बाद IBPS क्लरिकल का हो जाएगा, सितंबर में IBPS क्लरिकल अपना चला जाएगा, उसके बाद IBPS RRB PU का मेंस होगा, उसके बाद RRB क्लरिकल का मेंस होगा, उसके बाद आपका आपका आ जाएगा IBPS PU आ जाएगा, IBPS PU का प्रीलिम्स होगा अक्टूबर में, और IBPS क्लरिकल का मेंस है। तो ये एग्ज़ाम जितने भी IBPS के हैं उनका शेड्यूल बिजी हो जाएगा नवंबर तक, और फिर SBA नवंबर में ही होगा। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वो नवंबर में होगा, ये मेरा ओपिनियन है कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में होना चाहिए। आप लोगों के क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, तो वो भी आप लोग अपना शेयर करो यार, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता चल सके कि यार एग्ज़ाम जो है वो कब हो रहा है। तो आपकी जो भी थिंकिंग है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर एडमिट कार्ड अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ तो नेक्स्ट वीक में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को SBI या RRB से संबंधित, जितना भी बैंकिंग से संबंधित जो भी डाउट हो आप लोगों के, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर जाके पूछ सकते हो, और तैयारी अपनी जो वो मेंटेन रखिए, क्योंकि RRB के लिए तो हमने टू डू लिस्ट चला रखी है, पर SBI के लिए हमने ये चीज़ें स्टार्ट नहीं की थी पहले, क्योंकि हमारा यही था कि RRB को थोड़ा सा टारगेट किया जाए, उसमें ज़्यादा दिन बचे हुए थे, फ्रेशर्स ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने वो चीज़ स्टार्ट की। तो SBI वालों के लिए ये नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट आप डेली लगाते रहिए, और अपना इंप्रूवमेंट देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, तो ये चीज़ें आप डेली करते रहिए। और एडमिट कार्ड जैसे ही आउट होगा तो हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी राइट टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और फ्री मटेरियल के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बेस्ट करंट अफेयर का कोर्स आप लोगों को बताया हुआ है। लास्ट ईयर भी 40+ क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले थे मेंस में। तो SBI क्लरिकल के लिए बेस्ट सोर्स आप लोगों को बताइए करंट अफेयर का, तो जाके फॉलो कीजिए।